हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप हॉलीवुड की मूवी के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में एक हॉरर मूवी द कंजरिंग 2 मूवी के जो इंग्लिश सबटाइटल है हिंदी में ट्रांसलेट कर आपको बताएंगे और बताएंगे कैसे आप इनकी मदद से अपने इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हो। सो फ्रेंड, हमारा पहला सेंटेंस है, मैं पसंद करूँगी तुम चुपचाप बैठ जाओ और अपनी आँखें बंद कर लो। तो ये कह रही है कि हाँ, चुपचाप बैठ कर अपनी आँखें बंद कर लो, मैं तुमसे चाहती हूँ। तो इस इंग्लिश बोलेंगे आई वुड लाइक यू टू सिट क्वाइटली एंड क्लोज योर आइज। आई वुड लाइक यू टू सिट क्वाइटली एंड क्लोज योर आइज। नेक्स्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर ये लड़की, दो बच्ची हैं, सिगरेट पी रही है, दूसरी लड़की से भी कह रही है कि तुम भी पियो। तो इस पर वो कह रही है इफ़ माई मोम एवर फाउंड आउट आई वुड बी डेड। वो कह रही है अगर मेरी मम्मी को कभी भी पता चला ना, अगर मेरी मम्मी को कभी भी पता चला मैं मरे भी होंगी, आई वुड बी डेड, मैं मर जाऊंगी। तो इस पर वो कह रही है सो डोंट गेट कॉट, तो पकड़ी मत जाओ। कैच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कॉट होती है, CAUGST। सो डोंट गेट कॉट, तो पकड़ी मत जाओ। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है, तो यहाँ से स्कूल में आ रही है, तो इसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से पूछ रही है हाउ वॉज योर डे, यानी कि आज का दिन कैसा था, कैसा था दिन। तो इस पर वो कह रही है नॉट गुड, How was your day? Not good. अच्छा नहीं। Why? What happened? क्यों, क्या हुआ था? It's a long story. I will tell you later. ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। It is a long story. I will tell you later. Next है फ्रेंड, नेक्स्ट है ऑल राइट देन, ठीक है फिर। तो अब आगे आते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, फ़ोन पे बात कर रही है एक वोमेन औरत है, वो कह रही है आई एम सेइंग आई वोंट बी एबल टू पे माई रेंट दिस मंथ। मैं कह रही हूँ मैं इस महीने किराया नहीं दे पाऊँगी, किराया देने के मैं योग्य नहीं हूँ इस महीने। तो कह रही है आई एम सेइंग आई वोंट बी एबल, मैं एबल नहीं हो पाऊँगी टू पे रेंट दिस मंथ, इस महीने में किराया नहीं दे पाऊँगी। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है वेल आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू कॉन्ट हेल्प मी। वेल मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते। तो इस इंग्लिश बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू कॉन्ट हेल्प मी। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है हु सेज दैट यू वॉज, ये कह रही है हु सेज दैट यू वॉज कॉट स्मोकिंग। ये कह रही है मेरी प्रिंसिपल से बात हुई है और जो कहते हैं कि तुम स्मोकिंग करती हुई पकड़ी गई थी। हु सेज दैट यू वर कॉट स्मोकिंग। नेक्स्ट फ्रेंड, इस पे कह रही है मैं स्मोकिंग नहीं कर रही थी, मैं वादा करती हूँ। इसकी लड़की कह रही है आई वॉजेंट स्मोकिंग, आई प्रोमिस। नेक्स्ट फ्रेंड, हाउ कैन यू स्टैंड देयर एंड लाइव टू मी लाइक देट, तुम वहाँ खड़े होकर कैसे मुझसे झूठ बोल सकती हो ऐसे। कह रही है कि हाउ कैन यू स्टैंड देयर, कैसे वहाँ खड़े होकर लाइव टू मी लाइक देट, मुझसे इस तरीके से झूठ बोल सकती हो। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट लाइंग। नेक्स्ट फ्रेंड, लेकिन तुमने कहा था हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो यहाँ पे इसने किसी बच्चे ने अपनी मम्मा से किसी चीज़ की डिमांड की थी, तो उसकी मम्मा पहले तो मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं, फिर बाद में ले आए। तो उस पर बच्चा कह रहा है लेकिन तुमने कहा था हमारे पास कोई पैसा नहीं है, बट यू सेड वी डोंट हैव एनी मनी। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है जोनी, क्या तुमने अपने दांत मांजे थे? डिड यू ब्रश योर टीथ जोनी, क्या तुमने अपने दांत मांजे थे? नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट है यह मैंने पहले ही कर लिया था। तो वो कह रहा है बच्चा आई डिड इट ऑलरेडी। नेक्स्ट सो फ्रेंड, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछ रही है वेयर डिड दैट कम फ्रॉम, यह कोई चीज़ है तो इससे पूछ रही है वह कहाँ से आया था, यानी वह चीज़ कहाँ से आई थी, वेयर डिड दैट कम फ्रॉम। तो इस पर कह रही है कैमिला और मैंने इसे स्कूल में बनाया था। तो कैमिला इसकी दोस्त है, वो कह रही है कैमिला एंड आई मेडिटेट स्कूल। नेक्स्ट फ्रेंड, ये सही नहीं दिखता, वो कह रही है चीज़ अच्छी नहीं लगती, सही नहीं दिखती, दैट डजेंट लुक राइट, ये सच में काम करता है, मैं कसम खाती हूँ, इट रियली वर्क्स आई स्वेयर। तो ये चीज़ बनाते हैं, इससे कहते हैं कि इसके जरिए हम भूतों से, आत्माओं से बात कर सकते हैं, तो इसे यकीन नहीं आ रहा। तो इस पर कह रही है इट रियली वर्क्स आई स्वेयर, ये सच में काम करता है, मैं कसम खाती हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट है आ जाओ मैं तुम्हें दिखाऊंगी, कम ऑन आई विल शो यू। नेक्स्ट फ्रेंड, मेरी बहन और मैं जानना चाहते हैं, माई सिस्टर एंड आई वॉन्ट टू नो आर देर एनी स्पिरिट हेयर दैट वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद अस, क्या यहाँ कोई आत्मा है जो हमारे साथ बात करना चाहती है, आर देर एनी स्पिरिट्स हेयर दैट वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद अस। नेक्स्ट फ्रेंड, इसे लेकर परेशान मत हो, तो वो उस चीज़ ने काम नहीं करा मतलब। तो इस पर इसकी बड़ी बहन कह रही है डोंट वरी अबाउट दैट, यानी इसे लेकर परेशान मत हो, डोंट वरी अबाउट इट, ये असली नहीं है, इट इज़न्ट रियल। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट है ये बोल रही है आई मीन आई कैन पनिश हर बट देन आई फील गिल्टी। ये कह रही है मेरा मतलब है मैं उसे सज़ा दे सकती हूँ लेकिन फिर मैं गिल्टी महसूस करती हूँ, यानी सज़ा देने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस तरीके से गिल्टी महसूस होगा। आई मीन आई कैन पनिश हर बट देन आई फील गिल्टी। नेक्स्ट फ्रेंड, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सच,
मैं उसकी गलती नहीं है, बिकॉज आई नो इट इज़ नॉट रियली हर फॉल्ट, बिकॉज आई नो इट इज़ नॉट रियली हर फॉल्ट. नेक्स्ट टाइम फ्रेंड, लेकिन मैं उसे यूं ही जाने भी नहीं दे सकती, बट आई कांट जस्ट लेट इट गो इट ईदर. यू कह रही है बट आई कांट जस्ट लेट इट गो ईदर, बट लेकिन मैं इसे यूं ही, मतलब कोई बात हुई है बड़ी, तो कह रही है ना तो मैं उसे सज़ा दे सकती अपनी लड़की को और ना इस बात को ऐसे जाने दे सकती, मतलब बिना कुछ कहे जाने दूँ, बट आई कांट जस्ट लेट इट गो ईदर. नेक्स्ट टाइम फ्रेंड, अब उनमें से ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट टू मैनी ऑफ दोज, डोंट ईट टू मैनी ऑफ दोज. नेक्स्ट फ्रेंड, अगर तुम नहीं रुके तो मैं अपनी मम्मी को बता दूंगी, आई विल टेल माई मोम इफ़ यू डोंट स्टॉप, आई विल टेल माई मोम इफ़ यू डोंट स्टॉप. नेक्स्ट फ्रेंड, तो कह रहा है आई विल ब्रेक हर नेक, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा, आई विल ब्रेक हर नेक. नेक्स्ट फ्रेंड, बिली से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम बिली, स्टे अवे फ्रॉम बिली, हमें अकेला छोड़ दो. तुम मुझे सुनती हो ना, लीव अस अलोन यू हेयर मी, लीव अस अलोन यू हेयर मी. नेक्स्ट फ्रेंड, तुम क्या कर रही हो यहाँ, कोई नहीं है. वट आर यू डूइंग, देर इज़ नो वन हेयर, वट आर यू डूइंग, देर इज़ नो वन हेयर. नेक्स्ट फ्रेंड, देखो कुछ भी नहीं है, सी नथिंग, देखो कुछ भी नहीं है, सी नथिंग, तुम्हें अभी बुरा सपना आया था, बस इतना ही. तो ये रात को सो रहा था, इसे लगा यहाँ पे कोई है तो अपनी मम्मी को बुला के लाया, इस पर कह रही है सी नथिंग, देखो कुछ नहीं है, यू जस्ट हैड अ बैड ड्रीम, तुम्हें भी एक डरावना सपना आया, दैट्स ऑल, मतलब गंदा सपना आया. अपने कमरे में जाओ, गेट टू योर रूम. नेक्स्ट फ्रेंड, तुमने लगभग मुझे हार्ट अटैक दे दिया था, तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो, यू नियरली गेव मी अ हार्ट अटैक, What are you doing down there, down here? You nearly give me a heart attack. What are you doing down here? Next friend, मैंने अभी अभी कहा था, इसलिए मैं सच में उतनी भूखी नहीं हूँ. खाने की बात करिए कि मैंने अभी अभी खाया था, इसलिए मैं सच में उतनी भूखी नहीं हूँ. आई जस्ट एट, मैंने अभी खाया था, आई जस्ट एट, मतलब अभी अभी. सो आई एम नॉट रियली दैट हंग्री. नेक्स्ट फ्रेंड, कम से कम थोड़े समय के लिए तो नहीं. तो यहाँ कोई काम करते हैं, इनका काम होता है कि, इस मूवी में क्या दिखाया गया, इनका काम होता है ये घरों में जाते हैं जहाँ पे भूत प्रेत होते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें भगाते हैं. तो ये कह रही है कि हमें ये काम छोड़ना पड़ेगा कम से कम कुछ समय के लिए. तो ये कह रही है एट लीस्ट नॉट फॉर अ लिटिल वाइल, ये कह रही है कम से कम थोड़े समय के लिए तो नहीं, यानी कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे कम से कम थोड़े समय के लिए तो नहीं, एट लीस्ट नॉट फॉर अ लिटिल वाइल, एट लीस्ट नॉट फॉर अ लिटिल वाइल. नेक्स्ट फ्रेंड, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों, कुड आई आस्क वाई. नेक्स्ट फ्रेंड, डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो, डू यू ट्रस्ट मी. नेक्स्ट फ्रेंड, तुम जानती हो मैं करता हूँ, यू नो आई डू. नेक्स्ट फ्रेंड, हमारे कमरे में कोई है, देर इज़ समवन इन आवर रूम. तो इसकी माँ से बोल रहे हैं, इसकी माँ कह रही है, फिर कह रही है और बेड्स आर शेकिंग अप एंड डाउन. तो यहाँ भी सो रहे थे, इनका बेड खुद ही ऊपर नीचे हिलने लगा. तो अपनी मम्मी के पास आए, कहते हैं देर इज़ समवन इन आवर रूम, हमारे कमरे में कोई है और बेड्स आर शेकिंग अप एंड डाउन, हमारे बेड ऊपर नीचे खुद ही हिल रहे हैं. नेक्स्ट फ्रेंड, जेनेट जो लड़की का नाम है, जेनेट मैं खुद की कसम खाती हूँ अगर तुम ये अपनी तरफ से बना रही हो. तो कह रही है जेनेट आई स्वेयर टू गॉड, यानी मैं खुदा की कसम खाती हूँ, या खुदा है फ्रेंड, आई स्वेयर टू गॉड, मैं खुदा की कसम खाती हूँ, इफ़ यू आर मेकिंग इट अप. तो अपनी तरफ से बातें बनाने को कह रही है कि तुम मेरी नींद ख़राब कर रही हो अगर तुम ये अपनी तरफ से बना रही हो, कह रही है इफ़ यू आर मेकिंग इट अप. नेक्स्ट फ्रेंड, जो कह रही है मेरे काठा है, यानी कि आई गॉट बिट. आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रही, ही बिट मी, उसने मेरे काठा है, लुक, देखो. नेक्स्ट फ्रेंड, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, आई हैव सीन इट विद माई ओन आइज. तो अब इसकी माँ दूसरी औरत से बता रही है कि मैंने भी किसी को, मतलब भूत भूत को अपने कमरे में देखा है अपनी आंखों से, आई हैव सीन इट विद माई ओन आइज. नेक्स्ट फ्रेंड, लेकिन मुझे नहीं लगता वह यह बना के बता रही है, कह रही है कि मुझे लगता कि बच्चे अपनी तरफ से बना रहे हैं क्योंकि उसने खुद ने देख लिया. बट आई डोंट थिंक शी इज़ मेकिंग इट अप, यानी अपनी तरफ से बातें बनाना तो हम कहते हैं मेकअप, मैंने कि अपनी तरफ से बना रही है, मेकिंग अप कर रही है. तो इसलिए कह रही है बट आई डोंट थिंक शी इज़ मेकिंग इट अप, मुझे नहीं लगता अपनी तरफ से बना के बता रही है. नेक्स्ट फ्रेंड, वेल ऐसा कुछ नहीं है जो हम इसके बारे में कर सकते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने पुलिस को बुलाया, इन्हें लगा कि हमारे कमरे में कुछ है. तो पुलिस भी यहाँ महसूस करते हैं कि यहाँ कुछ आत्माओं का साया. तो कहते हैं पुलिस इनसे कह रहे हैं कि देर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट दैट, ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं इस बारे में, देर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट दैट. नेक्स्ट फ्रेंड, क्या हुआ, What's wrong? इस पर कह रही है वह कौन है. तो यहाँ से कोई खड़ा हुआ दिख रहा है, तो इसकी माँ इस लड़की से पूछ रही है क्या हुआ. सो फ्रेंड, हम क्या हुआ इस तरीके से बोलते हैं जब कोई परेशान दिखता है ना, तो हम तब व्हाट्स रॉन्ग बोलते हैं, व्हाट्स रॉन्ग यानी कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ. नेक्स्ट फ्रेंड, तो ये कह रही है हु इज़ दैट, वह कौन है. नेक्स्ट फ्रेंड, मुझे बताओ तुम कौन हो, टेल मी हु यू आर. हाउ डू यू फाइंड आउट अबाउट दैट, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला था,
हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दैट। सो फ्रेंडिया मीडिया वाले से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर में भूत भूत हैं, तो इस पर पूछ रही है तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दैट। नेक्स्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे अब मीडिया वाले आगे इनका इंटरव्यू लेने पूछ रहे हैं कैसा महसूस होता है एक डरावना घर में रहना। हाउ डज इट फील लिविंग इन अ हॉन्टेड हाउस, हाउ डज इट फील लिविंग इन अ हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस इसे बोलते हैं जो कि जहाँ पे कोई भूत प्रेत का साया हो घर में, उसे हॉन्टेड हाउस बोलते हैं। हाउ डज इट फील लिविंग इन अ हॉन्टेड हाउस। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं नहीं जानती, आई डोंट नो। यो कह रही है लड़की, मैं नहीं जानती, तुम्हें इसकी आदत नहीं पड़ती। यो कह रही है लड़की कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यू डोंट गेट यूज टू इट, यानी कि तुम्हें हर चीज़ की आदत पड़ जाती है लेकिन डरावने घर में रहने की आदत नहीं पड़ती। यू डोंट गेट यूज टू इट, तुम्हें इसकी आदत नहीं पड़ती। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम यहाँ क्यों आए हो, वाई हैव यू कम हेयर, वाई हैव यू कम हेयर। तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, वाई डोंट यू जस्ट लीव अस अलोन, वाई डोंट यू जस्ट लीव अस अलोन। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट है यू आर अफ्रेड, इट इज़ अ हॉक्स, तुम्हें डर है यह एक छल है। छल मतलब एक झूठ है, मतलब लोग अपनी तरफ से बना रहे हैं अफवाह तरीके से, मतलब लोग धोखा दे रहे हैं, मतलब इन्हें ऐसा डर है कि ये घर वाले झूठ बोल रहे हैं। तो ये कह रहा है यू अफ्रेड, तुम्हें डर है, इट इज़ हॉक्स। नेक्स्ट फ्रेंड, तो तुम हमसे क्या चाहते हो हम करें। वो कह रहे हैं कि तुम हमसे क्या चाहते हो हम करें। तो यहाँ ये वे लोग हैं जो घरों से भूत भूत भगाते हैं, तो चर्च वाले इनके पास आए हैं मदद के लिए। सो ये कह रहे हैं कि सो व्हाट डू यू वांट अस टू डू, तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो। नेक्स्ट फ्रेंड, शुक्रिया तुम्हारा हम पे विश्वास के लिए, यानी कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हम पे विश्वास करते हो। थैंक यू फॉर योर फेथ, यानी कि जो तुम्हारा विश्वास है इन अस हमारे अंदर, थैंक यू फॉर योर फेथ इन अस। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा हमारा सेंटेंस आई टोल्ड हिम वी वुड टॉक अबाउट इट, मैंने उनसे कहा हम इस बारे में बात करेंगे। आई टोल्ड हिम वी वुड टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट फ्रेंड, इस बारे में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, देर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट इट, देर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट फ्रेंड, हनी यू हर्ड हिम, हनी तुमने उसे सुना था, यू हर्ड हिम, वे नहीं चाहते हम इसमें शामिल हों, दे डोंट वॉन्ट अस टू गेट इन्वॉल्व, दे डोंट वॉन्ट अस टू गेट इन्वॉल्व। नेक्स्ट फ्रेंड, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परेशानी तो नहीं अगर मैं बैठ जाऊँ, माइंड इफ आई सिट। तो फ्रेंड ये शॉर्ट में बोला है, अगर हम इसे पूरी तरीके से बोलते तो हम बोलते डू यू माइंड इफ आई हैव अ सीट, यानी कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं अगर मैं सीट ले लूँ या बैठ जाऊँ, इस दोनों तरीके से। तो इसने शॉर्ट में बोला है माइंड परेशानी तो नहीं, इफ आई हैव अ सीट, अगर मैं सीट ले लूँ, सीट पर बैठ जाऊँ। क्या तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों हूँ, डू यू नो वाई आई एम हेयर, डू यू नो वाई आई एम हेयर। नेक्स्ट फ्रेंड, और मैं यहाँ मदद के लिए हूँ अगर मैं कर सकती हूँ, कह रही है अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं यहाँ मदद के लिए हूँ, आई एम हेयर टू हेल्प इफ़ आई कैन। नेक्स्ट फ्रेंड, लेकिन अब तो मैं ये भी नहीं कर सकती, बट नाउ आई कॉन्ट इवन डू देट, बट नाउ आई कॉन्ट इवन डू देट, लेकिन अब तो मैं ये भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं पूछूँ, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। तो यहाँ इसके जो इसकी औरत की दूसरी शादी हुई, तो इसका इसके पहले हस्बैंड के बारे में पूछ रहा है, एक्स हस्बैंड के बारे में, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, अगर तुम्हें बुरा ना लगे पूछूँ। नेक्स्ट फ्रेंड, इज़ योर एक्स हस्बैंड स्टिल इन द पिक्चर, क्या तुम्हारा पुराना पति अभी तस्वीर में है, इज़ योर एक्स हस्बैंड स्टिल इन द पिक्चर। नेक्स्ट फ्रेंड ने कह रहा है एनी चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन, यानी कि सुलह का कोई चांस है, तुम अपने एक्स हस्बैंड से बात कर सकते हो, सुलह का कोई चांस है, पूछ रहा है एनी चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट तुम्हारे पिता तुम्हें एडवर्ड पुकारते थे, तो यहाँ इस आत्मा से बात कर रहा है, वो कह रहा है तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तो उसके पे वो बोल रहा है योर फादर कॉल्ड यू एडवर्ड, तुम्हारे पिता तुम्हें एडवर्ड पुकारते थे या कहा करते थे, उस जगह हम कॉल्ड का यूज़ करते हैं, कॉल मतलब पुकारना, ये पास्ट में बात हो रही, तो कॉल्ड योर फादर कॉल्ड यू एडवर्ड। नेक्स्ट फ्रेंड, सच नहीं है, नॉट ट्रू, ये कह रहा है सच नहीं, नॉट ट्रू, मेरे पिता मुझे एड पुकारते थे हर किसी की तरह, माई फादर कॉल्ड मी एड जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, माई फादर कॉल्ड मी एट जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। नेक्स्ट फ्रेंड, मेरी इच्छा है तुम वैसा ना करती, आई विश यू वुडेंट डू दैट, आई विश यू वुडेंट डू दैट। नेक्स्ट फ्रेंड, ये मेरी सोने में मदद करता है, इट हेल्प्स मी स्लीप। नेक्स्ट फ्रेंड, मुझे मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट, देखो मैं नहीं कह रहा ये एक छल है, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ हॉक्स। नेक्स्ट फ्रेंड, वह गिटार किसका है, तो यहाँ पे गिटार है, पूछ रहा है हुज गिटार इज़ दैट। सो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और खासकर उन लोगों के लिए जो शुरुआत इंग्लिश सीखने में करते हो ना, ये बोलने में बहुत परेशानी होती है कि ये चीज़ किसकी है। तो जैसे कि हम किसी पेन की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं हुज पेन इज़ इट, या कार की बात कर रहे हैं हुज कार इज़ इट, तो हम हुज का यूज़ करते हैं किसकी है। तो ये पूछ रहा है गिटार किसकी है, हुज गिटार इज़ दैट, वह गिटार किसकी है, हुज गिटार इज़ दैट। नेक्स्ट फ्रेंड, वह पिताजी की थी, उन्होंने कहा था मैं इसे रख सकती हूँ, तो लड़की कह रही है वह पिताजी की थी, इट वॉज डैड्स, बट ही सेड आई कुड हैव इट, पर उन्होंने कहा था मैं इसे रख सकती हूँ, बट ही सेड ही आई कुड हैव इट। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम्हें बुरा ना लगे,
डू यू माइंड, तो ये पूछना चाह रहा है डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ इट, तो ये शॉर्ट में बोल रहा है डू यू माइंड तुम्हें बुरा ना लगे इफ़ आई यूज़ इट, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ। ये बोल रही है नो नहीं। नेक्स्ट टाइम राइट, नेक्स्ट टाइम मुझे माफ़ करना, मेरा ये मतलब नहीं था, आई एम सॉरी आई डिडेंट मीन दैट, आई एम सॉरी आई डिडेंट मीन दैट। सो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अगर कभी आपको आप किसी को कुछ कहते हैं वो बुरा मान जाए लेकिन आपका मतलब ऐसा नहीं था तो आप बाद में सॉरी बोलते, तो आप सॉरी इस तरीके से बोल सकते हो कि आई एम सॉरी आई डिडेंट मीन दैट, मुझे माफ़ करना मेरा ये मतलब नहीं था, आई एम सॉरी आई डिडेंट मीन दैट। नेक्स्ट फ्रेंड तुम्हारे पीछे कुछ है, देर इज़ समथिंग बिहाइंड यू, देर इज़ समथिंग बिहाइंड यू। नेक्स्ट फ्रेंड वे रंगे हाथों पकड़ी गई थी, शी वॉज कॉट रेड हैंडेड। तो फ्रेंड रंगे हाथों पकड़े जाना हम बोलते हैं रेड हैंडेड, वह शी वॉज कॉट रेड हैंडेड, वह रंगे हाथों पकड़ी गई थी। मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ, आई डू योर नेम, आई डू योर नेम, यू कह रही है आई डू नो योर नेम, आई डू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ, मैंने पूछा था, आई आस्क्ड यू, आई आस्क्ड यू, मुझे बताओ तुम कौन हो, टेल मी हु यू आर, टेल मी हु यू आर, और तुमने मुझे बताया था, एंड यू टोल्ड मी, एंड यू टोल्ड मी। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है यू टोल्ड मी योर नेम, तुमने मुझे अपना नाम बताया था और मैंने ये लिखा था, एंड आई रोट इट डाउन, एंड आई रोट इट डाउन। नेक्स्ट है फ्रेंड आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती थी, आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती थी, हमारे लिए वापस आने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बैक फॉर अस, थैंक्स फॉर कमिंग बैक फॉर अस। नेक्स्ट टाइम मेरे बचपन से इसने मुझे सुरक्षित रखा है, दिस हैज़ केप्ट मी सेफ सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, दिस हैज़ केप्ट मी सेफ सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, मैं चाहता हूँ तुम इसे रखो, आई वॉन्ट यू टू हैव इट, आई वॉन्ट यू टू हैव इट। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, आई होप यू लाइक।